Good morning, dear students. Welcome back to our Hindi class. Children, you know what you have celebrated a day before yesterday? I mean to say on Saturday. Which festival you celebrated? Come on, guess. See? दशहरा. Very good. आपने बहुत अच्छे अच्छे से crafts भेजे. मैंने आपको अच्छे अच्छे से remark भी भेजे ना. हाँ तो बच्चों, क्लास हिंदी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैम क्या कराएंगी? वेरी गुड, मॉर्निंग प्रेयर. मॉर्निंग प्रेयर हमें रेगुलर करना चाहिए. सो जॉइन योर हैंड एंड क्लोज योर आईज. गॉड्स लव इज सो वंडरफुल. गॉड्स लव is so wonderful, so wonderful love. So high, you can't get over it. So high, you can't get over it. So wonderful love. So deep, you can't get under it. So deep, you can't get under it. So wonderful love. So wide, you can't get around it. So wide, you can't get around it. So wonderful love. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. So wonderful love. Now, put your hands down. So, आज मैम आपको हिंदी क्लास कराएगी और हिंदी में जो जो मैम ने अभी तक सिखाया है उसका नेक्स्ट स्टेप सिखाएगी. मैम ने सिखाया था लास्ट क्लास में ए से एड़ी. क्या सिखाया था? ए से एड़ी. वेरी गुड. ऐसे एड़ी हमें सिखाती नंगे पैर चलो ना साथी. समझ में आया? और आज मैम ने क्या पहना है बताओ? चश्मा. इसको और भी कुछ बोलते हैं. कमा, किसी को आइडिया है हमारा जो नेक्स्ट लेटर है ऐसे एड़ी के बाद वो कौन सा है? ऐसे ऐनक. ऐसी ऐसे ऐनक कैसी ऐठे कान पकड़कर नाक पे बैठे. ऐसे ऐनक कैसी ऐठे कान पकड़कर नाक पे बैठे. देखा, ये नाक पे है ना, कान को हमारे होल्ड किया है. तो आज मैम आपको ऐनक सिखाएगी. चश्मे को ऐनक बोलते हैं. ओके, तो गांधी जी का राउंड राउंड ऐनक आपके दादाजी भी पहनते हैं. आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी ऐनक पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं. तो अभी ऐसे कौन कौन से और शब्द आते हैं वो मैम आपको बता दें. तो सबसे पहले मैम आपको हिंदी में ऐसे आने वाले कौन कौन से शब्द हैं वो बताएंगी. तो उनको पहले सीखेंगे, ठीक है? वन बाय वन रिकॉल करेंगे मेरे पीछे पीछे. ऐसे होता है नंबर वन ऐनक. ऐनक एम्बुलेंस. एम्बुलेंस देखा ना, जब डॉक्टर के यहाँ जाना होता है इमरजेंसी में तो हम एम्बुलेंस बुलाते हैं. ऐराबत. ऐसे ऐराबत हाथी को बोलते हैं. और ऐसे होता है ऐलान. ऐलान करना, अनाउंसमेंट जिसे बोलते हैं ना, वो माइक पे स्पीकर पे जब हम शाउट करके कुछ बोलते हैं, अनाउंसमेंट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ भी किसी का नया नेम बोलना, ऐलान. ऐसे ऐलान. ओके, तो ये चार शब्द हो गए. नंबर वन ऐनक, एम्बुलेंस, ऐराबत एंड ऐलान. ओके, अब मैम आपको बताएगी लिखना कैसे है.
हाँ तो बच्चों, आज मैम ने आपको ऐसे आने वाले शब्द और लिखना कैसे है आज मैम ने आपको सिखाया है। तो आपको हिंदी की नोटबुक में ऐसे ऐनक से आने वाले दो कोई चित्र चिपकाने हैं और साथ में ही ऐसे ऐनक लिखना है नोटबुक में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।